मैदान के चारों कोने से ताले को हो जाना चाहिए। फाइनल खेल लगे बनाडी ब्रेन खेल को रेफरी आशुतोष दंडित तलार को सेट करना तीत है यावन ताली की गड़ाहट किया जाए। जब खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं दिन भर मेहनत करते हैं हम सबको आनंदित कराते हैं तो ताली बजाने में कंजूसी ना किया जाए। बहुत ही अनोखा नजारा हमारे इस कमर के पास ऐतिहासिक मैदान में हम लोग देख पा रहे हैं। अजनबी एफसी और माजी मातो भाई भाई टीम के खिलाड़ी के मार्गदर्शक मंचासन है और इन सब महानुभव का ये कहना है कि समय कम है मैदान के अंदर हम लोग खैर से परिचय तो प्रवेश नहीं करेंगे। समय को मद्देनजर रखता हुआ खेल को शुरू कर दिया जाए। मन मजेरी अडिगन नेवतागन गघुड़िया साथे नातुरिन पुरुधल को बनवतना समय कम में कमाल का मैच खेलते हुए फाइनल के मुकाम तक ये टीम पहुंची है। और मैं बता दूं जो कि मैदान के पश्चिमी दिशा में और इसके बाद मैदान के पूर्वी छोर में दो दल इनकी ये इच्छा बनी और अपनी इच्छा के अनुरूप पसंद के हैसियत से ये दो दल मेडिकल जोन से होते हुए ये रवाना हुई है। जो कि अजनबी एफसी से गोलकीपर के लिए जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहे हैं ठाकुर टूडो जी इनकी जर्सी नंबर 24 है और कुमार टूडो खेलते हुए जर्सी नंबर 5 पर और इसके बाद जेरी सोरेन खेलते हुए जर्सी नंबर 2 पर विश्वनाथ सोरेन जर्सी नंबर 4 पर अजय हेम्ब्रोम जर्सी नंबर 15 पर निमारवादी जर्सी नंबर 11 और राम हास्ता जर्सी नंबर 9 पर है। अविनाश गोंड जर्सी नंबर 8 पर है। नंद सरदार जर्सी नंबर 10 पर है। दिवराज हास्ता जर्सी नंबर 7 पर हैं, भीम सोरेन जर्सी नंबर 6 और सचित सरदार 19, धर्मेंद्र टुडू जर्सी नंबर 3, सुनील टुडू जर्सी नंबर 99। बिल्कुल और बेहतरीन कोशिश रहा, बेहतर तालमेल का मुजारा पेश के हम रोज मेरे हाथ भी प्लेयर सूची है। इस वक्त माजी पांच भाई भाई बबलू सोरेन ऐसे गोलकीपर का मुजारा पेश करे हैं। जयंत है टीम में जस नंबर 3, दुलू सोरेन जस नंबर 15, वही बात करेंगे जैसी दुआओं जस नंबर 14 पे ठाकुर किसको जस नंबर 12, विकास हाजवा जस नंबर 8, लालू टूडो जस नंबर 13 और सुनील लोहा जस नंबर 7, विकास नाई जस नंबर 11, देवा मुर्मू जस नंबर 4, लक्ष्मण सादा जस नंबर 10, गुलचंद महल जस नंबर 6 और रंगलाल मुर्मू जस नंबर 2। मुकाबला बहुत ही बड़ा है टीम के लिए, बहुत ही बड़ा यहाँ पे मौके थे टीम के लिए। कहीं बात करें अजनबी एफसी लेकिन बहुत जितने में सफल नहीं हो पाए। नंदू सरदार भी आज इस मैच में थोड़ा सा वापसी की, पिछला मैच में इंजरी फील कर रहे थे। हेलो 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 और एक अच्छी कोशिश और अच्छी तालमेल के साथ मैच को इस वक्त दर्शा रहे हैं और फिलहाल एक अच्छी किक किक जसो पांच क्वार्टरो और कहीं न कहीं यहाँ पे स्कोर दोनों टीमों के पास अकाल सा पड़ी हुई, समय को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। मनोज क्रिकेट की परिभाषा में देखें तो 20 ओवर का मैच दी जाती है, वहां पे जिस अंदाज के साथ आपको चौके चौके की बरसात होती है इसी प्रकार से यहाँ से मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाना होगा। आपको 20 मिनट का ही समय दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत जी, इनकी ये इच्छा जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है। जुनून की जहां तक बात की जाए, प्रत्येक खिलाड़ी जो है इस कदर यहां पे अपना जुनून को दिखा रहे हैं कि पहले हाफ पे ही इनको व्रत मिल जाए, चंद मिनटों में ही ये हसरत बन रही है। मंसूबा बड़ा है और पहले हाफ के इस खेल में 1,00,000 की ये नगद राशि है सुजीत, जो कि आज को कौन सी टीम लेके जाएगी 2024 के लिए बहुत बड़ी इतिहास होगी। देखना होगा लंबा पास हेडर के जरिए जो है यहाँ पे साथी खिलाड़ी तक ढूंढकर पास के रूप में दिया गया और काफी लंबा इंजरी के बाद कहीं ना कहीं रंगलाल की वापसी हुई टीमों में। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं मनोज 1,30,000 टीमों को मिलेगी तो
आने वाले बल्द। फिलहाल एक मौका बनता हुआ रंगलाल की रन, इस बार समय जरूर ले रहे हैं अजनबी एफसी और दोनों सौरी ने बॉल जीतने में सफल और एक अच्छी प्रयास रहा है टीम के लिए और कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत ही बड़ा रहा है और जुगा जुगा होती है रोज जगह है जितना कि दर्शक साथी। चलिए कॉम बॉक्स में मनोज बाबू आपको हो में भी थोड़ा सा जुड़ना चाहेंगे, स्वागत है। ठीक है चिन्ना चाबू झारखंड राज्य में ना हुआ एना मिनते जुका जुका आदिवासी भाषा रे हो जगर नो इतिया फर्स्ट हाफ रे इनुम निको लास्ट इनुम लगे दे गोड़ा रे निकोवा प्रदर्शन अब लेते ना बू अब मंचे ते मड़ी कुटी पारे अजनबी एफसी टीम पारे खिलाड़ी को इन्हें ते लेंगा कुटी पारे माजी महतो भाई भाई मेंदो एक गोल लगे दे ए सुप्र कुरुमुटो रेमिना की ने मेंदो कौन टीम पारन खिलाड़ी को सबसे पहले ने तारे सफलता अर्जित या कोई ना का काजी दई हुआ चिनाचा 50-50 रिया निको मजबूत टीम रे तिसिंग दर्ज दर्ज दर्जतना को इना मेंते ओंडो में सब विकास ना के तरह में नहीं है अब पेनल्टी एरी जपाता मेंदो इनता पूरा बोका काको भाई ची किदा को अब ओपोनेंट टीम पारन अजनबी एफसी टीम पारन खिलाड़ी को और इस टीम में कहीं ना कहीं मनोज पाठा गोलदाता को अली चाचा के उस 300 रुपया और वापसी करने वाले को 500 रुपया पुनः पड़ेगा औकात भी दी जा रही है और कमेटी मंच के सभी कहना है जो भी टीम जीतेंगे 1,00,000 जो टीम रन रन टीम रह जाएगी उस टीम को 70,000 में संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बड़ा इनामी राशि 30,000 का डिफरेंस है। येसु मरंग निंतारे सपोर्ट जो कि अबू मानथान ने मंच राकिन विटाक नाकिन दुबक नाकिन अबू कोलाबी रहे पैतनी अली चाचा जो कि फर्स्ट गोल जो बड़ो टीम है ते ओकन टीम रेन खिलाड़ी जो गोल दई है अकिन अकिन ती ते 300 रुपये नगद रस्सी अकिन सम्मान स्वरूप अकिन एम अकिन है और चीन के भारतीय आपको दर्शन दर्शन आते हैं कि ड्रोन कैमरा को भी कमेटी परिवार की ओर से कहीं कहीं यूट्यूबर साथी उड़ाए गए हैं। आप देख सकते हैं चीन के भारतीय बाज की निगरानी के कहीं पूरे कैमरे में आप लोग जूझ रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा हरीश भाई है और बहुत सारे यूट्यूबर साथी जुड़े हुए हैं, बिल्जर स्पोर्ट है और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि आज पूरे लाइन के करीब आप लोग देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मैच में कहीं ना कहीं आज दो दिग्गज टीम माजी महतो भाई भाई और उनके मुकाबले खेलेगा अजनबी एफसी। क्या ही कमाल का मैच दोनों टीमों के प्रति खेलने का अवसर को प्रदान किए हैं लेकिन बट मैदान में हम विदेशी मूल के खिलाड़ियों को देख चुके हैं उनकी बाल भी ऐसे ही रहता है और यहाँ पे तबड़तोड़ गेंद को शॉट के जरिए जो है गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया जा रहा है माजी मातो भाई भाई के खिलाड़ी के द्वारा क्योंकि प्रत्येक बार ये गोलों से ही जीत दर्ज करते हैं। अब देखना होगा कि इस गोल को क्या रोक पाने में सफल हो पाएंगे। इस टूर्नामेंट में चैंपियन टीम थी अब क्या अगुवाई होपना जी मनोज जी आप लोग जुड़े हुए तो क्या ही यही खिलाड़ी थे जो गत वर्ष का चैंपियन टीम बने थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है 2023 में इस मैदान में वो टीम चैंपियन टीम के रूप में दर्ज हुई थी और इस बार उस इतिहास को क्या रचने में फिर से दौड़ती हुई भागती हुई चलती हुई ये रूपरेखा जो है बनती है या नहीं देखना होगा। गिरते हुए जरूर वहां पे और दोनों ही टीम के खिलाड़ी जो है गेंद को नियंत्रण में शकार नहीं कर पाए। सुंदर सा थ्रो थ्रो इन के जरिए पास माजी मातो भाई भाई इस बार बेकार हमारे टच लाइन उत्तरी दिशा से चार नंबर के जर्सी अजनबी एफसी फिलहाल निमार के गेंद को थ्रो इन किए निमार सुंदर सा टेक्निक का प्रयोग करके उस टीम के कब्जे में फिलहाल गेंद निमार के लिए एक बार फिर गेंद आगे बढ़ता हुआ निमार शायद ड्रिबल में सफल नहीं हो पाए। बहते ताल बने के मुझे पेश के हैं इस बार के सुपत्र लेकिन प्रणाल सांस ना थोड़ा सा गेंद खर जी संदर्भ के थोड़ा सा ऊपर से पांव चले गए थे परिणाम स्वरूप एक सेट पीस का लाभ मिलता हुआ टीमों को वही बात कर अजनबी पार्टी दो सही प्रयास ऑन टारगेट नहीं रख पाए और गेंद जब हारने वाले टीमों को यानी कि जो टीम रन टीम को 70,000 में संतुष्टि होना पड़ेगा बट दोनों टीम ने कला के मामले में काफी धनी है। अविनाश गोंड फिलहाल साथी को मारने को सफल इस बार अच्छी गेंद के साथ नंदू सदार ऐसा लग रहा दोनों टीमों के प्रति काफी अनुभव है दोनों टीम के लिए। विश्वास सोरेन है टीम में जैसे चार पे और देवराज सहस्ता जैसे सात पे जैसे नौ की बात करें
तो नीचे से बात मीटर राम हंसता है और इसका भी पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में इस प्रकार बहुत सारे गोल टीमों को देखने को मिला था। इस बार अविनाश वो जिधर में सफल नहीं हो पाए टीम में रंगलाल है, मुकाबला बहुत ही बड़ा है और देखते ही देखते इंटरवल का सिटी मध्य का घोषणा। अब तक जो परिणाम रहा है कोई भी टीम को स्कोर नहीं प्राप्त हो पाई है, दोनों टीमों को स्कोर कार्ड को थोड़ा सा देखें तो इस वक्त 0-0 शीशे की तरह साफ आईने की तरह साफ है। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद मनोज सुजीत को तो खिलंडो बना डिगड़ी नपा खेल को सगरिया जहां तक के ताम दराम ने निजे लुसी को सोसाइटी का सनम को के सबड़ा कमेटी नो कमर बासा राजनगर प्रखंड पाटा सुकम सगंदरम नाचन को डतो नेसा मुझे खिलन करना चादर का पाटा रे अजनबी एफसी टीम रे राजनगर प्रखंड रे नपा नपा खंडो खिलंडो को टीम रे सेलेन मना को चांदोसुर पाटा रिमिल लोंग जसी रे माजी मातो भाई भाई डीसी चंडेल में तेन को टीम बन बनाया वक्त में ना गया बंचा का नुक्ता रिकॉर्ड टीम को गोल लिया अजनबी एफसी नॉट टूर्नामेंट रे नापाई खेलों सदर का ते ना मुझे खेलों फाइनल खेलों का सेट करना माजी मा तो भाई भाई दिन कलम चैंपियन को बनाना प्रथम सेट को कमेंडना ने चेक कोच का चेंबा एडवांस अगर बोल हम ना करमुटो मैं करना पास बच्चा तरह वाले डिफेंडर बोविते अजनबी एफसी विश्वनाथ जटा खड़ी लगे ने नंदू सरदार लगे बोल के मका तो जहां तक मनोज यहां पर बात कीजिए कांटे का मुकाबला दो दिग्गज दल के बीच घमासम मुकाबला लेकिन इस घमासम मुकाबला में अब तक गोल नहीं हुए एक अच्छा मौका विश्वनाथ यहाँ पर लेफ्ट जोन से बोल को कट करने की कोशिश लेकिन डिफेंडर वहां पर रंगलाल मुर्मू का बहुत ही शानदार बचाव जहां तक ये इन सर बखरा रूसी का कौन नेता करना सफड़ा कमिटी वर्षा कर बोबेते आपे नवा गोडासुर पाटा पे गुगुआ आपे को अनेसरे अनगत्रे आतो अब लगे ना बोलने ना फाइनल खेलन बखरा हाथ समय की जो कुल कम का और आपे जो देही जो पेबलो मा ना पाए पाबे जा फिलहाल फुटबॉल का खेल का हम लोग आनंद ले पा रहे कुछ देर के बाद सांस्कृतिक के नाच दल दलदारा शास्त्री के नाचगान प्रस्तुत करेंगे। चलिए सभी जवाब दोनों बाछर से बोल का अकेले जाने के कोशिश में बोल को पीछे धाके ले साथी का विकास हस्ता मौजूद है वेस्ट बंगाल के एक स्टार खड़ी है सुनील लोहार बोल को साथी के अपन दुल्लू के लिए अभी भी दुल्लू लेकिन अपन नेमार माटी मौजूद है स्किल का बादशाह माना जाता है नेमार छिन्न छपटे जा रही आखिरकार कोण का अच्छी इंटरसेप्शन बोल का आउट कर दी है बोल जा रही है और इसी में जब विकास अभी विकास अच्छी जगह पर बॉल को डाला गया पर क्या कर पाते हैं दोनों ये देखना होगा देर से लिखा है उसे सॉल लेकिन सुनील टूडू का बहुत ही बेहतर बचाव सुनील टूडू की अगर बात की जाए टी एंड सी एस गम देसाई जैसे बड़े क्लब का ये प्रोडक्ट है एक अच्छे गोलकीपर के साथ साथ एक अच्छे स्टूडेंट है जिनके चलते ये होम गार्ड में अपने करियर को समाप्त चुके हैं। फिलहाल ठाकुर के कदम बोल साथी को तलाशता हुआ मौका बन सकता है इंद्रजीत के लिए पर शानदार शॉट मौका विकास के लिए लेकिन अच्छे बचाव करता पर डिफेंडर कांटे का मुकाबला। अब तक दोनों टीम गोल रेट बराबरी पर खेल रहे हैं। पुराने जमाने में जब फुटबॉल का मैच को खेला जाता था खेल खुले मैदान में खेला जाता था गोल पोस्ट नहीं होता था। सबसे पहले 16वीं सदी के अंतिम समय और 17वीं सदी के प्रारंभिक समय में खेल में मुकाबला के भावना को लाने के लिए मैदान के दो विपरीत सिर पर गोलपोस्ट बनाए गए। खेल का सबसे रोमांचकारी जो क्षण होता है जमीनी गोल होता है। अच्छी कोशिश लेकिन बॉल को ब्लॉक करने में कामयाब होता पर विश्वनाथ पांच रन से बॉल को आगे बढ़ा रहे। तो मनोज यहाँ पर कांटे का मुकाबला दो दिग्गज दल के बीच यहाँ पर हम एक घमासान मुकाबला को हम लोग देख पा रहे हैं तो हल्का मचाने के लिए बेकरार है और जो जिद इनके पास है जो जिद्दी के साथ अपने आप को ढाल रहे हैं अपना भी परिणाम थोड़ा सा दूर जरूर है इनसे और इस पर मुकम्मल होने के लिए ना जाने इनके पास जो संघर्ष का जो प्रारूप है इसको पूरी तरह से बो रहे हैं रख रहे हैं
लेकिन बड़ी सलीनता के साथ इनके द्वारा जो खेल की ये प्रतिक्रिया आज के लिए इस फाइनल ग्रैंड फिनाले टीम में इन दो टीमों का इस वक्त जो है वाहवाही के पात्र के रूप में शमी पा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के कलका कलकापुर क्षेत्र के बहुत ही स्टार खिलाड़ी के रूप में तो जाना जाता है। देखने वाली बात है फाइनल के मुकाबले में किस तरह का खेल को खेलेंगे और अच्छी जगह पर बॉल मौका कुंवर टुडो के लिए। और जहां तक बात करते कुंवर टुडो सही टारगेट में सुनील लोहार मिट जोन बोल बोल अबे सुनील निजे कब्जा बोल के नौका कांटे का मुकाबला जब भी अजनबी और माझी मातो भाई भाई की टीम हमारे इस राजनगर प्रखंड में आमने सामने हो जाते हैं तो कभी अजनबी एफसी की जीत होती है तो कभी माझी मातो भाई भाई टीम की जीत होती है। माझी मातो भाई भाई टीम के लिए रातोराम हांसदा एक मजबूत टीम को मैदान में उतारे। अजनबी एफसी टीम के लिए मुकेश गिरी एक अच्छे फाइनेंसर के रूप में जाना जाता है।